हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शीबा। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं आलू मटर की एक बहुत ही आसान रेसिपी। यहां कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें 1 प्याज जिसको मैंने पीस लिया है। प्याज को हमने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच। लाल मिर्च 1 टीस्पून छोटा चम्मच। 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। मसालों को अच्छे से भून लेना है ताकि इनका कच्चा स्मेल निकल जाए। अब हम डाल देंगे इसमें टोमेटो प्यूरी। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं जिन्हें हमने अपने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। मसालों को हमें अब इतना भूनना है कि मसालों में से तेल छूट जाए। मेन काम मसाला भूनने का होता है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही अच्छी हमारी सब्जी तैयार होगी। देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून गया है, तेल छूट गया है। यहाँ हमने आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मटर। 3 आलुओं के लिए मैंने 1 कटोरी मटर लिए हैं। आलू मेरे मीडियम साइज के थे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1/2 कप। चला देंगे इसे, इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 विसल आने तक इसे हमें पका लेना है। और अब खोलने पर हमारी सब्जी एकदम तैयार है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ही कसूरी मेथी। अब हम इसे खुले में ही 2 मिनट पकने देंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले पूरे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। हमारी बहुत ही यम्मी आलू मटर की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।